Hello everyone, welcome to this session of Testbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 and paper 2 CS faculty. I hope everyone is fine. So every student asking about the ICT numericals, जो कि hexadecimal आप लोगों का पूछा गया है, octal addition क्या है, subtraction क्या है, तो इसके ऊपर बहुत सारे students को doubt है, क्योंकि binary additions तो हम लोगों ने किया, आपकी बार ये question बहुत trending में, hexa और octal का आपसे addition या फिर subtraction भी पूछ सकता है, अभी तक वो जो inputs आया है, वो addition का ही input आया है, तो वही इस video के अंदर मैं आप लोगों को concept बताने वाली हूँ, क्या है आप लोगों का hexadecimal addition और क्या है आप लोगों का octal addition और subtraction है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, उसी के साथ साथ सेशन को लाइक शेयर जरूर करिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको कोई भी जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं, सेशंस हैं, पेपर वन पेपर टू सब कुछ आपको मिलता रहे। एंड ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ, डिस्कशन, डायरेक्ट इंटरेक्शन, ये आप लोग इन सब के लिए यहाँ पे इसका पार्ट बन सकते हैं, तो मस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। उसी के साथ साथ ये है पेपर टू के टाइमिंग्स, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज आप लोगों का ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर की सेल है, जिसमें आप लोगों को 8232 के अंदर कंप्लीट पेपर वन और पेपर टू का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसका वैलिडिटी रहेगा टिल जून 24, एग्जाम तक आपका वैलिडिटी रहेगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, PYQ सीरीज, उसके साथ साथ आप लोगों के लाइव क्लासेस एंड स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, एंड यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, जो कि आप लोगों के लिए अभी बहुत ज्यादा टेंशन बना है, इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से मैं कवर कराने वाली हूँ, बहुत इजी टॉपिक है। और बाइनरी एडिशन के लिए मैंने आज ही 3 बजे यूट्यूब पे सेशन लिया है, ICT न्यू मेमोरी बेस्ड टॉपिक क्वेश्चंस में, वहां पे बाइनरी एडिशन भी मैंने सिखाया है। तो लेट स्टार्ट, सबसे पहले तो याद रखिएगा, आपको इसका बेस पता होना चाहिए। बाइनरी का बेस है 2, ऑक्टल का बेस है हमारे सामने 8, और हेक्सा का बेस क्या जाता है हमारे सामने हेयर 16। यहाँ पे डिजिट कंसिस्ट करता है 0 to 7, ये है 0 या 1, और ये है आपका 0 to 9, और 8 to क्या जाता है F। A का मतलब है 10, B means 11, C मतलब 12, D मतलब 13, और E है 14, और F आपका है 15। मान के चलो बेस से कम डिजिट तक जाना है, तो 15 को यहाँ पे क्या बता दिया F, 8 बेस है तो 7 तक, क्योंकि मैंने 0 से शुरू किया, अगर आप 1 से करते ना तब 8 तक पहुंचते, और 0 से शुरू करेंगे तो 7 तक जाएंगे। आई होप ये चीज बेस सभी को क्लियर है किसका क्या, और बहुत बार क्लासेस में हमने ये डिस्कस किया है। नाउ द थिंग इज, दो तरीके मैं बताऊंगी एडिशन के। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ऑक्टल एडिशन क्या होता है। लेट सपोज आपने क्या कर लेना, एक टेबल बना लिया, आपको ऑक्टल एडिशन करना है, 0 to 7 यहाँ बना दिया, 0 to 7 यहाँ पे बना दिया, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। फर्स्ट मेथड ये है शॉर्टकट वाला, बट जिसके लिए फर्स्ट टाइम है तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा भी लगे, इससे भी आसान मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगी। इस कॉलम में लिखा 0 से लेके 7 तक, फिर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 10, इधर से मैंने 10 से शुरू किया, ध्यान दीजिए बीच में 8 9 10 नहीं किया मैंने, क्योंकि जब मैं डिवाइड करूंगी तो आप उसका जो प्लस करते हैं तो वो आपका बेस आपका 0 से 7 के बीच में, एक शॉर्टकट है। जस्ट ये टेबल अगर याद हो सकती है तो कर लेना, अदरवाइज इसको इग्नोर कर देना, आप दूसरे मेथड से कर लेना। लेट सपोज मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे ना बाइनरी क्या करना है, सॉरी ऑक्टल में एडिशन करना। मान लिया एक आपके पास वैल्यू है 6 और दूसरी हमारे पास वैल्यू क्या है, लेट सपोज दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 5, ये वैल्यू है मेरे पास 5, तो इनका एडिशन नॉर्मली तो आप बोलोगे मैम 6 और 5 तो 11 जाते हैं, बट जब भी आप देखोगे 8 से इसने क्रॉस कर दिया, क्योंकि मेरा बेस है ऑक्टल, मेरे पास डिजिट क्या होनी चाहिए 0 to 7 के बीच में, तो 11 तो मेरी लिमिट ही नहीं है, लिमिट क्रॉस कर दिया। फर्स्ट मेथड अगर ये टेबल आपको याद हो सकता है तो 0 से 7, फिर 1 से 7, फिर 2 से 7, इधर से 10 से शुरू कर दो, 10 11 10 11 12 10 11 12 13, ऐसे आपने टेबल को याद कर लेना है। वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली याद कर सकते हो। अब देखो इधर से 6 देखो, इधर से हम लोग 5 देखेंगे, इधर से 6 देखा, इधर से 5 देखे, तो इधर मेरा आंसर क्या बना 13, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 13, ये बेस आप लोगों का क्या है 8 है। अब मैं इसका दूसरा मेथड बताती हूँ, 6 और 5 का इनका ऑक्टल में एडिशन कैसे करोगे। चल इसको बाइनरी में लिखो, बाइनरी के लिए हम क्या यूज करते हैं 8421 मेथड यूज करते हैं। बाइनरी में कैसे लिखोगे,
110, क्योंकि जिस जिस डिजिट को यूज करोगे, ये 6 के बराबर हो गया आपका, जिस जिस डिजिट को यूज करोगे आप उसके नीचे 1 लिख दो, बाकी के नीचे 0। ऐसे 5 को कैसे लिखेंगे हम लोग, 5 को 101 लिखेंगे। इसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि जब ऑक्टल की बात आती है तब हमें सिर्फ 4 to 1 का यूज करना पड़ता है, 8 की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑक्टल में 3-3 के पेयर्स या 3-3 के कपल्स की हम बात करते हैं। ये किसके बराबर है, 5 के बराबर। एडिशन करो, 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 0 1 और 1 आ गया आपके पास कैरी। अब बोलोगे मैम इसको हम कैसे लिखें, तो बेटा ये बताइए मैंने अभी बोला है कि ऑक्टल में 3-3 के जोड़े बनाते हो आप लोग, ये किसके बराबर है, 0 1 0 1 1 किसके बराबर हुआ, 3 के बराबर। ये सिंगल 1 है, किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर। तो ये बताइए क्या अब आपका आंसर 13 आया कि नहीं आया, ऐसे भी 13 था ये वाली टेबल से भी और ऐसे भी 13 है। तो ये है आप लोगों का बाइनरी एडिशन। मे बी फर्स्ट टाइम जो लर्निंग करते हैं उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो आप इसको दोबारा जरूर देखिए, इसके बाद एग्जाम भी सिखाऊंगी। अब आता है ऑक्टल सब्ट्रैक्शन कैसे करें। अगर मुझे ऑक्टल में सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब माइनस करना है, वो कैसे की जाएगी। ऑक्टल सब्ट्रैक्शन के लिए लेट सपोज मैंने लिया 456, ये बेस क्या है 8, मतलब ऑक्टल है। माइनस 173, ये भी बेस क्या है 8, तो माइनस करो 456 173, माइनस करो, 6 में से 3 गया 3, ठीक है आपको आता है ये चीज तो। लेकिन 5 में से 7 क्या माइनस कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल की बात करती, जो कि हम अपना नॉर्मल मैथ करते, तब आप क्या बोलोगे, मैम यहाँ से ले लो, बोरो उधार ले लेते हैं, तो ये बन जाता 15, 15 में से 7 गया 8। रीजन, क्योंकि यहाँ पर आप 10 बेस को यूज करते हो, ठीक है, डेसिमल में 10 बेस को यूज करते हैं, तो 10 की फॉर्म में लेते हैं। यहां मैं कौन से बेस को यूज किया, 8 को, तो इधर ऑटोमेटिक 1 जब मैं यहाँ पे लूंगी तो इधर मैं इसके अंदर 8, देखो यहाँ पे 10 मैंने, मतलब 10 बेस के अकॉर्डिंग लेते हो, तभी तो 10 + 5 = 15 बनाइए। अब यहाँ पे बेस अगर 8 बन गया, मेरा बेस 8 है, तो 8 + 5 कितना बना, 13। 8 + 5 कितना बन जाएगा आप लोगों का, 13 बन गया, और 13 में से 7 गया कितना बचा, 6। 13 में से 7 गया, ध्यान दीजिए यही पॉइंट सीखने का, और अगर ये आ गया तो आपको हेक्सा भी आ जाएगा। मैंने बोला है अगर 45 में से 17 डेसिमल में माइनस करते, हम बोलते भाई एक बोरो ले लो, बोरो मतलब यहाँ पे 15 हो गया, 15 का मतलब ये डेसिमल नंबर है, और 10 और 5 15 तब बनता ही है, 10 और 5 15 तब ये वैल्यू बनती है। अगर आपने मैथ्स में कभी ध्यान दिया हो, ऐसे ही 15 नहीं आ जाता, क्योंकि डेसिमल का बेस है 10, तो 10 + 5 = 15 ऐसे बनता है। ऐसे ही मान लिया 23 में से अगर मैं 18 माइनस करूंगी, तो ये आपका इधर से एक बोरो लोगे, तो यहाँ 13 - 8 करते हो आप, ऐसे ही सीख रखा है ना सबने, तो ये 10 यहाँ पे जाता है, तभी आपका यहाँ पे बचता है, तभी हम बोलते ना यहाँ पे आपका क्या बच गया, 9 बच गया, अगर मान लिया यहाँ पे 0 था तो 9 बच गया, तो ऐसे कॉन्सेप्ट चलता है आपका ये। तो यहाँ से 8 मैंने इधर बोरो लिया, तो 8 और 5 कितना बना, 13, 13 में से 7 गया 6। अब इधर कितना बचेगा, इधर बच गया एक तो बोरो चला गया, इधर 4 था ना, तो 4 में से एक बोरो चला गया, तो बचा 3, तो ये आपका आ गया हेक्साडेसिमल में, सॉरी ऑक्टल के अंदर माइनस आ गया। ऐसे करते सब्ट्रैक्शन। इन द सेम वे अगर आप लोग करना चाहते हैं, मान लिया लेट सपोज आप लोग हेक्साडेसिमल एडिशन करना चाहते हैं, हेक्सा में एडिशन करना चाहते हैं, तो बेस्ट मेथड क्या है, हम क्या करेंगे, लेट सपोज आप लोगों ने एक ए है आपका 16 में, प्लस लेट सपोज 5 है आपका दे रखा है, ये भी 16 में, तो बताओ क्या रिजल्ट आएगा। ए किसके बराबर है, 10 के बराबर, ये है आपका 5। बाइनरी में लिखो 10 को, क्या लिख सकते हो, इसमें आपको 8421 की जरूरत पड़ेगी, 8 और 2 10, मतलब इन इनको यूज करेंगे, बाकी को कर दो 0। ऐसे करोगे, 5 कैसे लिखोगे, 4 और 1 को यूज करा तभी 4 + 1 = 5, बाकी को कर दो 0, प्लस करो 1 1 1 1, तो आंसर कितना आ गया, ऑल 1, और ऑल 1 किसके बराबर होता है, 15 के बराबर। 10 और 5 कितना बन गया, 15, मतलब ये आपका F के बराबर है, ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये वीडियो जो फर्स्ट टाइम लर्नर है, बिगिनर्स है, उनको 2 बार देखना पड़ सकता है, तो प्लीज एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा।
अगर फिर भी डाउट आता है प्लीज ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप लोग टेलीग्राम के अंदर डाल सकते हैं अपने डाउट को. लास्ट आता है हेक्साडेसिमल, माइनस कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे. लेट सपोज सब्ट्रैक्शन की बात करें, भी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई ट्राइड कि मैक्सिमम टॉपिक साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड करती रहूं. लेट सपोज आपके पास दे दिया 4a6, ठीक है, दूसरा दे दिया मान लिया 1b3, ये भी आपका हेक्सा में है, ये भी बेस है इसका हेक्सा, तो माइनस करो क्या होगा. बोलोगे मैम 6 में से 3 गया 3, ठीक है, ए किसके बराबर है हेक्सा में, 10, बी बराबर है 11, सी बराबर है 12, डी बराबर है 13, ई बराबर है 14, एफ बराबर है 15. चलिए अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, आप खुद बताओ ए आपका किसके बराबर है, 10 के बराबर, बी बराबर है 11, हेक्सा में बेस कितना है, 16 बेस जाता है, तो अब 10 में से 11 तो माइनस नहीं कर सकते, कभी आपने देखा 10 में से 11 माइनस करेंगे, तो हम बोरो की हेल्प लेंगे, बोरो की हेल्प लिया तो आपको रिकॉल करना है बेस कितना है, 16, तो 16 के उसमें बोरो जाएगा, तो 16 प्लस 10, क्योंकि ए को हम 10 लिख सकते हैं ना, 16 प्लस 10 कितना बना 26, तो 26 में से 11 गया, 26 में से 11 गया, कितना बचेगा आप लोगों के पास, 15, ये तो मेरी लिमिट के अंदर है, और 15 को मैं हेक्सा में क्या लिखूंगी, एफ, 15 को मैं हेक्सा में क्या लिखूंगी, एफ. यहां क्या बचा, क्योंकि एक यहां से बोरो जा चुका है, यहां बच गया आपका 2, तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया. तो ये था हमारा छोटा सा सेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव. तो आई होप दिस सेशन इज वेरी इंफॉर्मेटिव, सो डू लाइक एंड शेयर दिस, सब्सक्राइब चैनल, और आप पेपर 1 पेपर 2 के सेशंस मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. पेपर 1 भी मैं आप लोगों का लेती हूँ, पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आपका लेती हूँ. सो मेक श्योर अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और टेलीग्राम का पार्ट आप लोग जरूर बने. बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वंस अगेन.